एक्चुअली हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक्चुअली आजकल एक्टर्स जो है ना, एक्टिंग कम हम स्पोर्ट्समैन ज़्यादा बन गए हैं. बट आई थिंक इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. बीच वॉलीबॉल इंडिया में इतना मशहूर नहीं है. धीरज इज अ फ्रेंड. धीरज को मैं दिल्ली ड्रैगन्स की वजह से जानता हूँ, क्योंकि वो दिल्ली की जो टीम है, जो BCL हो रहा है, वो धीरज ने ही शुरू किया था हमारी दिल्ली की टीम. तो दैट्स हाउ आई नो धीरज. एंड आई थिंक व्हेन ही केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट, सबसे पहला उनका सवाल ये था, यार आप वॉलीबॉल खेले हो? लेकिन मैं वॉलीबॉल खेला हूँ, लेकिन मैं बहुत गंदा हूँ वॉलीबॉल में. सो इससे ठीक है, आप बस खेले हो ना काफ़ी. कमिंग अप बीच वॉलीबॉल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पोर्ट. इट्स ग्रेट बिकॉज यू नो ओवर लास्ट वन ईयर आई थिंक वी हैव सीन कि बहुत अलग अलग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट आर कमिंग अप. So why not volleyball? Because you know, we've had cricket, we've had kabaddi, we've had soccer, football. ऐसे चलता रहा बहुत दिन बाद, थोड़े दिन बाद गिल्ली डंडा भी आ जाएगा. But I think it's a great great concept and not too many celebrities, but I think 30-40 of us they wanna actually have like a proper league. It's gonna be fun. बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि I think beach volleyball एक ऐसा sport है जिसमें किसी को महारत हासिल नहीं है. क्योंकि यू नो क्रिकेट में या फुटबॉल में हम लोग बचपन से ही खेलते हैं, खेल कर बड़े हुए हैं. सो इट टेंड्स टू बिकम अ वन साइडेड गेम एंड इट्स नॉट एज मच फन एज वी वुड एक्सपेक्ट. बीच वॉलीबॉल विल बी अ लॉट ऑफ फन बिकॉज ए इट्स गोना बी प्लेड ऑन द बीच. सो इट्स गोना बी अ डिफरेंट सेटअप जो हम सेटअप देखते रहे हैं आज तक. उसके अलावा आई थिंक इट्स गोना बी फन बिकॉज नॉट मेनी ऑफ अस और नॉट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वी हैव नो आइडिया अबाउट बीच वॉलीबॉल अदर देन द बीच वॉलीबॉल दैट प्रॉब्ली वी हैव सीन ऑन टीवी. मैंने थोड़ा बहुत देखा है टीवी, बहुत लोग पता है मुझे. मैं एक्चुअली अमेरिकन टीम है, उनको फॉलो करता हूँ कभी कभी. रूल्स पता है मुझे, शुक्र है बीच वॉलीबॉल के. सबसे पहला रूल आई थिंक स्पेशली फॉर बॉयज इज द अटायर यू हैव टू वेयर. इट्स मोस्टली शॉर्ट्स एंड देयर इज नथिंग ऑन टॉप. सो फॉर पीपल लाइक मी हु वांट टू ब्लॉन्ड आवर बॉडीज, आई थिंक इट्स द बेस्ट स्पोर्ट. गेम का गेम हो जाएगा और आपकी बॉडी की बॉडी आप दिखा सकते हैं. जी आई थिंक इट्स बीच वॉलीबॉल हैज़ टू बी अ समर स्पोर्ट फॉर श्योर. And because we have not played too much of it, I think it'll be a different concept, different thought, different thing. जैसे मैंने कहा, और जब शुरू होगा I think तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो you know it's the launch today. And I think we'll start probably post June, because we'll have to practice and you know we have to also figure out a location. I'm sure Dheeraj has a few locations in mind. So it'll be great because कुछ नया करने को मिलेगा यार. मतलब हम आई थिंक क्रिकेट और फुटबॉल खेल खेल के और देख देख के शायद बोर हो गए हैं सब लोग. आई थिंक क्रिकेट खत्म होने वाला है, क्योंकि BCL पंजाब जो था, BCL पंजाब भी हो रहा है, BCL भी हो रहा है. BCL पंजाब हैज़ बीन ऑलरेडी शॉर्ट. BCL 13th मई को ख़त्म हो जाएगा. सो आई थिंक देयर इज़ इनफ टाइम. वील हैव एटलीस्ट अ ब्रीदर ऑफ अ मंथ और टू मंथ्स, बिकॉज राइट नाउ इट्स रियली रियली हॉट. बहुत गर्मी है अभी. तो आई थिंक व्हेन समर्स हमारी जब खत्म होने वाली होगी, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम. वो जो टाइम फ्रेम होता है अगस्त सितंबर का, बिटवीन समर्स एंड विंटर्स, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टाइम टू प्ले इट. एंड आई थिंक इट्स फन. आई थिंक इट कीप्स यू फिट, कीप्स यू एनर्जेटिक. एंड बीच वॉलीबॉल के बहाने जितने भी हमारे एक्टर्स हैं जो अनफिट हैं, वो शायद फिट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको बीच वॉलीबॉल खेलनी है तो आपको फिट रहना है. तो आई थिंक इट्स ग्रेट, इट्स टू इन वन. फिटनेस भी हो जाएगी और मस्ती की मस्ती भी हो जाएगी. यार मैं एक्चुअली आई थिंक एक ऐसा इंसान हूँ जिसने शायद ही कोई स्पोर्ट छोड़ा होगा. आई विल नॉट से आई एम ग्रेट एट वॉलीबॉल, बट आई प्लेड वॉलीबॉल. आई प्लेड बीच वॉलीबॉल एवरी टाइम आई वॉन्ट टू गोवा. उसके अलावा नहीं खेलते हम लोग बीच वॉलीबॉल. बट मैंने वॉलीबॉल खेला है एंड आई एम वेरी बैड एट इट. तो देखो क्या होता है. इट्स गुड फन. क्रिकेट सॉकर यार सब लोग खेलते हैं, हम सब खेलते हैं. मतलब आई थिंक हिंदुस्तान में जो लड़का, स्पेशली लड़का, जैसे ही उसे होश आता है 3-4 साल की उम्र में, तो या तो उसे एक्टर बनना होता है या उसे क्रिकेटर बनना होता है. तो आई थिंक
मैंने वो दोनों काम कर लिए हैं, अब आई थिंक इट्स टाइम टू प्ले सम अदर स्पोर्ट। यार मैं एक्चुअली लकी बहुत हूँ क्योंकि आई थिंक क्रिकेटर्स या हम क्रिकेट बचपन से ही खेलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनमें से था जिसको ड्रामेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एक्टर बनूंगा, तो मैं ड्रामेटिक्स मस्ती के लिए करता था, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, बट आई थिंक इट्स हेल्प मी इमेंसली। 12 साल हो गए अभी तक काम मिल रहा है, that I'm getting the opportunity as an actor to play all the possible sports on a competitive level at this stage. So I think it's lucky enough. TV पे आता है हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, टीवी पे आता है हम फुटबॉल खेलते हैं, अब वॉलीबॉल भी आएगा, उसके बाद चेस, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी सब खेलेंगे हम।